क्या हाल है टेस्ट पार्टनर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टेस्ट पार्टनर में। दोस्तों जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ना, उसका नाम सुनते सबके में पानी आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज शेयर करने वाला हूँ आपके साथ समोसे की रेसिपी, वो भी डिफरेंट टाइप के समोसे। ये देखिए है ना, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के लग नहीं रहे ना समोसे। जी हाँ दोस्तों, ये है समोसे, इनको बोलते हैं डिजाइनर समोसा या मैट समोसा। डिजाइन है ना बिल्कुल डिफरेंट, टेस्ट बिल्कुल आएगा समोसे वाला और बनाने में बिल्कुल लगेगा आधा टाइम। इसमें आपको टेस्ट आएगा मट्ठी का भी और समोसे का भी दोनों। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान सी रेसिपी है, यही रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दोस्तों बहुत कम स्टेप्स में बनेंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, कोई भी आपको मेहमान आए फटाफट से आप ये बना सकते हैं। ये खस्ता समोसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अपना मैट समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, मैं ये वाला कप यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने पास जो भी कप है उसी मेजरमेंट से आप बनाइएगा। उसमें मैंने डाला है थोड़ी सी अजवाइन, पेट की सेहत का भी तो ख्याल रखना है ना भाई, समोसा खा रहे तो अजवाइन तो बहुत जरूरी है। मैं अब डाल रहा हूँ 1/2 चम्मच नमक और मैं इसमें डाल रहा हूँ मोइन के लिए 2 बड़े चम्मच ऑयल के, इससे समोसे हमारे बहुत खस्ता बनेंगे। मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें ऑयल डाल दिए हैं, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगा। अभी आपने इसको गूंथना नहीं है, हमने सिर्फ ऑयल और मैदे को अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो मैदा है ऑयल को अच्छे से सूख ले और हमारे समोसे खस्ता बने। हमें इस पोजीशन में मैदे को लेके आना है, जो आप इसे हाथ से पकड़ें तो ये ऐसे इकट्ठा हो जाए, आप तोड़ें तो ऐसे ही भर के टूट जाए। अब हम इसको गूंथना स्टार्ट करते हैं। गूंथने के लिए मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम गूंथेंगे। हमने इसका जो आटा गूंथना है वो ना ज़्यादा सख्त रखना है ना ज़्यादा नरम रखना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उससे बहुत थोड़ा सा ही सख्त रखेंगे, ज़्यादा नहीं। अब हम थोड़ा सा पानी करके इसको अच्छे से गूंथ लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको गूंथ लिया है, ये मैदे का आटा हमने तैयार कर लिया। ये देखिए ये ज़्यादा ना सख्त है ना ज़्यादा नरम है, बिल्कुल ये हमारे समोसे बनने के लिए परफेक्ट आटा है। अब हम इसको 1/2 घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। अब हम समोसे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल में ये मैंने 2 से 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज के, ये उबले हुए आलू हैं, इनको मैंने रफली हाथ से ही मैश किया है। आप ग्रेट मत कीजिएगा, ग्रेट करने से ये बिल्कुल आलू घुल जाएंगे समोसे में, जो टेस्ट नहीं आएगा। बट इसको ध्यान रखिएगा बहुत किसी मोटे मोटे आलू ना हो, हाथ से मैश कीजिएगा। इसे मैंने डाली एक छोटी हरी मिर्च, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ धनिया। धनिया तो आपको पता है टेस्ट के अनुसार आपके बहुत सा हो जाएगा, मैं भी इसमें बहुत सा धनिया डालूंगा। थोड़ी सी डाली है इसमें मैंने लाल मिर्च, लाल मिर्च आप देख के डालिए क्योंकि हरी मिर्च इसमें है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 चम्मच नमक, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है गरम मसाला और ये धनिया पाउडर 1/2 चम्मच और ये मैंने इसमें डाला थोड़ा सा चाट मसाला और ये प्याज, प्याज को मैंने पतला पतला काट लिया है। इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं और इसको मिक्स करने के लिए, इसकी बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कॉर्नफ्लावर या मैदा भी डाल सकते हैं। अब हम इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। अब हमने इसका अच्छा सा बढ़िया सा एक स्मूथ सा डो बनाना है। इसको हम हाथ से अच्छे मिक्स करेंगे, इसको हम जैसे गूंथते हैं उससे हल्के हाथ से हम इसका डो बनाएंगे मिक्स करते करते, ताकि जो सारे मसाले हैं धनिया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए ये मैंने डो बना लिया है, कितना स्मूथ डो बना है ये, कि फिलिंग के लिए हमारा बिल्कुल रेडी है। एक बार हम हाथ साफ कर लेते हैं फिर हम इसकी शेप रेडी करेंगे। चलिए शेप बनाने के लिए मैं थोड़ा सा एक डो का पार्ट लिया है, अब हम इसको हाथ से ही गोल करेंगे। अगर आपका बैटर पतला है तो आप इसमें थोड़ा सा और चावल का आटा भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैं इसको कटलेट की शेप दे रहा हूँ, इसको ज़्यादा बड़ी कटलेट की शेप नहीं देनी है, मैं इसको एक छोटी कटलेट की शेप ही देनी है ताकि ये समोसे के अंदर आराम से फिल हो सके। मैंने एक कटलेट बना लिया है, मैं एक और बना के आपको दिखाता हूँ। एक छोटा सा मैंने पोर्शन लिया, इसको हाथ से मैंने गोल करके एक राउंड शेप गोल शेप दे दी है मैंने। ये देखिए कटलेट की आराम से शेप आप बना सकते हैं। मैंने ऐसे सारे कटलेट्स अपने रेडी कर लिए हैं। चलिए अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमने काम करना है, हमने एक कटोरी में हमने 1/2 चम्मच मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसको हम अच्छे से मिक्स करके एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। हमने पतली स्लाइड नहीं बनानी है, एक गाढ़ा हमने घोल तैयार करना है।
अब आटा हमारा रेस्ट कर चुका है, आधा घंटा हमें हो चुका है। देखिए आटा और सॉफ्ट हो गया और एकदम स्मूथ हो गया है। अब हम इसको सरफेस पे ही बेल लेते हैं। इसको पहले हम थोड़ा सा सरफेस पे हाथ से ऐसे इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं, ताकि जो हमारे समोसे बने वो इसकी शीट अच्छे से बन सके। इसको हम गोल कर लेते हैं। ये देखिए मैंने पूरा आटा एक सिलेंड्रिकल शेप कर लिया। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। बाकी आटे को हम ढक के रख देंगे और जो हमने आटा लिया इसको हम गोल एक बड़ा पेड़ा बना लेंगे और अब इसको हम बेलेंगे। इसकी हमने एक पतली शीट तैयार करनी है, ज्यादा पतली नहीं, रोटी जैसी ही शीट तैयार करनी है हमने। देखिए इसको हम गोल गोल करते जाएंगे, इसको बेल के हम बढ़िया से इसकी शीट तैयार करेंगे। ये देखिए हमारी शीट तैयार है। अब इसकी मोटाई देखिए कैसी है, रोटी है, रोटी से पतली ही पतली रोटी की तरह ये शीट है। हम इसको चार पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेंगे समोसा बनाने के लिए। ये देखिए हमने इसको सेंटर से कट करके दोनों साइड से चार पार्ट कर लिए। अब डिजाइन आप दिखा ध्यान दीजिएगा मैं कैसे इसका डिजाइन बनाता हूँ। डिजाइन बनाने के लिए मैंने छुरी लिया, इसको मैंने इस तरह पेंसिल की तरह पकड़ लिया, ध्यान से पकड़िएगा, अपने हाथ में काटिएगा और मैं इस पर ऐसे बीच में से नहीं एक्चुअली कॉर्नर पे मैं एक लाइन डालूंगा और एक दूसरी लाइन, ध्यान दीजिएगा ये लाइन इससे छोटी है, मैं एक लाइन डालूंगा और एक थर्ड लाइन और डालूंगा वो भी इससे भी छोटी रहेगी। ठीक है, तीनों मैंने अलग अलग साइज की लाइन डाल ली है और इसी तरीके से इधर से भी ऐसे बीच में एक गैप छोड़ के तीन लाइनें यहाँ भी मैं कट कर लेता हूँ। बस कुछ नहीं करना, हमारा समोसे का ये डो जो है ये बाहर जो कवर है वो रेडी है। इसको मैं हटा लेता हूँ, दूसरा भी मैं आपको रेडी करके दिखाता हूँ। ये देखिए दूसरा भी मैं ऐसे रेडी कर रहा हूँ, तीन मैंने कट उस पर लगा लिए हैं एक साइड से, दूसरी साइड से भी बीच में एक गैप छोड़ के मैंने तीन लाइन यहाँ भी डाल ली है, तीन कट यहाँ भी लगा लिए हैं। ये देखिए ऐसे ही हम बाकी दोनों भी रेडी कर लेंगे और जो हमारा पेड़ा हमने जो अलग रखा था उसको वैसे रेडी कर लेंगे। ये देखिए एक समोसे का हम पार्ट लेंगे, इस पर हम लगाएंगे अच्छे से मैदा, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए कढ़ाई में, खुले ना। जो हमने मैदा घोला था वो इस पर हम लगाएंगे, अच्छे से मैदा लगाना है हमने। आप चाहें तो इसमें पानी का भी यूज कर सकते हैं। अब जो हमने कटलेट बनाया था उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसको हम सेंटर में रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा मैं कैसे इसको फोल्ड करूंगा, एक साइड से आप उठाएंगे और बिल्कुल नीचे करके इसको हम चिपका देंगे और दूसरी साइड ऐसे ही उठा के उसके ऊपर से हम इसको रखेंगे और चिपका देंगे। ये देखिए कितना आसान था ये एक समोसा हमारा रेडी भी हो गया है। ऐसे ही हम एक बार दूसरा समोसा भी रेडी कर देख लेते हैं। मैंने दूसरे वाले समोसे पे ये मैदा लगा दिया है और ये कटलेट इसके ऊपर रख देता हूँ और इसको पैन कर देते हैं हम। ये देखिए है ना एकदम इजी। ऐसे ही हम अपने सारे समोसे रेडी कर लेते हैं। ये देखिए सारे समोसे हमारे रेडी हो गए। अब चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। कढ़ाई में घी गरम हो गया है, ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा हमें ऑयल को गरम नहीं करना है, हमने मीडियम हीट पे ऑयल को रखना है और इसमें हम समोसे जितने कढ़ाई में एक बार आ सके उतने ही डालेंगे और डालते ही एकदम इसको नहीं हिलाना है। एक ध्यान रखिएगा इस टाइम पे गैस मीडियम टू लो होनी चाहिए, हाई गैस से हमने इसको नहीं बनाना है वरना बाहर की परत एकदम से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। जब ये हल्के से ब्राउन हो जाए तभी हम इसको पलटेंगे। ये देखिए मैं भी इसको तभी पलट रहा हूँ, हल्के से ये ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इसको पलट रहा हूँ। अब ऐसे ही इसको पलट पलट के जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं आते तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए हमारे समोसे हो गए हैं रेडी, अब हम इनको निकाल लेते हैं बाहर और ऐसे ही हम अपना दूसरा रोल भी ऑयल में डाल के इसको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारे मैट समोसा बिल्कुल रेडी है, कितना मस्त लग रहा है ना, खाने में भी ये बहुत अच्छे हैं। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कितने खस्ता है, ये देखिए है एकदम खस्ता। और आप इसको फ्राई करने से पहले दो दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, जब भी आपके कोई मेहमान आए, जब भी टी टाइम में आपको खाने का मन करे कढ़ाई में डालिए और
फटाफट से समझ से तैयार। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ कैसा बना है अंदर से। ये देखिए बिल्कुल अंदर से फीलिंग हमारी परफेक्ट कुक है, कोई जली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये चटनी इमली वाली है, होममेड चटनी है। आप चाहे अपने घर में चटनी बनाइए, चाहे सॉस का चाहिए, ग्रीन चटनी के साथ खाइए, समोसा तो किसी भी चटनी से अच्छा लगता है। दोस्तों ये घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली रेसिपी में, बाय बाय।